तो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और मैं विवेक आज आपको लेकर आ गया हूँ रेड फोर्ट। और आप यहाँ तो देख सकते हो, रेड फोर्ट मेरे सामने है जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। और यहाँ पर पब्लिक की भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों इस साइड देख सकते हो झूला वगैरह है, इस साइड भी। यहाँ लगभग अप्रॉक्स पूरे साल मेला लगा ही रहता है, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर दो तीन बार आ चुका हूँ। यहाँ पर जब भी आता हूँ तो हमेशा झूला ही दिखता है मुझे। ये देख सकते हो आप, हमेशा मेला। और ये रेड फोर्ट, आइए चलिए नज़दीक से देखते हैं। आप यहाँ पर लोगों की संख्या देखकर समझ ही सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी कि कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देख पा रहे होंगे। और ये इस पर हमारा प्यारा तिरंगा लहराता हुआ, इसकी शान बढ़ाता हुआ। और देख ही सकते हैं यहाँ पर नज़ारे कितना ज़्यादा है। और ये दोस्तों यहाँ पर खाली गैप है इतना, जहाँ पहले पानी रहता था। पुराने समय राजाओं को किले को सेफ करने के लिए वो हमेशा अपने किले के चारों तरफ पानी रखते थे, जिसमें मगरमच्छ वगैरह कुछ पाल कर रखते थे, ताकि कोई शत्रु आक्रमण करे तो वो अपना मेन गेट बंद कर लें और इसे जाना पड़े। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ किले के अंदर, जिसके लिए मुझे वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी प्राइस एंट्री प्राइस है 50 रुपया। अगर आप म्यूजियम भी लेते हो तो 80 रुपया है, इस तरह से है। और यहाँ दो गेट होते हैं एंट्री के, एक इधर से ये होता है जो आपको मैं दिखाऊंगा, इसे कहते हैं लाहौर गेट। और एक गेट उधर ही होता है शुरुआत में मेन गेट पे, जिसे कहते हैं दिल्ली गेट। दोस्तों ये है लाल किला का लाहौर गेट, जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ से टिकट लूँगा पहले, ये टिकट काउंटर है। और यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें हैं, वो माय गॉड, ये लाइन आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है, मतलब एंट्री में काफ़ी टाइम लगेगा हमें भी यहाँ पे। बाप रे, टिकट लेने के बाद इतनी लंबी लाइन है, टिकट के लिए भी काफ़ी भीड़ होगी। और ये देख सकते हो आप लाल किला को। और यहाँ से है एंट्री गेट, जिसको लाहौर गेट कहते हैं। ये देख सकते हो आप आम आदमी के लिए। और यहाँ से मिलेगा टिकट। ओहो, यहाँ टिकट काउंटर पर भी इतनी लंबी लाइन है, बाप रे। ये देख सकते हो आप टिकट काउंटर यहाँ है, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन आपको मिल रही है देखने को। तो मैं लाइन में लग जाता हूँ आराम से टिकट के लिए। ये देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइनें हैं। और उधर से एंट्री की लाइन, और इधर लाल किला। तो गाइज फाइनली बहुत मशक्कत करने के बाद हमें टिकट मिल गई है, जिसकी कॉस्ट पड़ी हमें विदाउट म्यूजियम 50 रुपये, और विथ म्यूजियम लेते हो आपको तो आपको 80 रुपये उसकी कॉस्ट पड़ जाती। तो आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। और हम चलते हैं अब अंदर। तो गाइज इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद, घंटों मशक्कत करने के बाद मुझे मिल गई है टिकट। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से एंट्री की लाइन में लगने के लिए, और ये भी काफ़ी लंबी है। तो आइए चलिए मेरे साथ, देखते हैं लाल किला के अंदर हमें क्या क्या दिखता है। यहाँ से एंट्री होती है। तो गाइज काफ़ी मशक्कत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लाल किला के एंट्री गेट। और यहां से टिकट लेने के बाद, उतनी स्ट्रगल करने के बाद, लंबे लाइनों के बाद, बहुत मेहनत के बाद हम लोग यहां से आए हैं अंदर। और इधर से चलते हैं लाल किला के एंट्री गेट में। यहां से एंट्री होती है, इसे लाहौर गेट कहा जाता है। लाल किला में दो गेट है, एक लाहौर गेट एक दिल्ली गेट। इधर से लाहौर गेट शुरू होता है और दिल्ली गेट उस साइड से होती है, जो कि VIP के लिए होती है सिर्फ। तो चलिए अब मेरे साथ अंदर लाल किला के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। वैसे आप लोगों की भीड़ तो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। और इधर नज़ारे, और यहाँ पर आपको गेट पर आते ही दिख जाएंगे दो तोप, एक इधर एक इधर। ये देख सकते हो एंशिएंट तोप। और यहाँ से आप देख सकते हो एंट्री होती है हमारी लाल किला के अंदर, दरवाजे देख सकते हो। और ये है लाल किला का इनर व्यू, और इसी के ऊपर जाकर हमारे नरेंद्र मोदी फ्लैग होस्ट करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो लाल किला की ऊंचाई, वाव अच्छी है। और यहीं से होता है हमारा फ्लैग होस्ट, यहीं पे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो देख सकते हो गाइस आप इनर कैंपस। अब चलते हैं इसके अंदर,
यहाँ आपको एक छोटा सा मीना बाज़ार भी दिखेगा जो कि यहीं से शुरू होता है। आइए आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर से मीना बाज़ार शुरू हो जाता है। आपको सामानों की अगर लेना हो तो ले सकते हो, आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। ये देख सकते हो मार्केट, ये देख सकते हो इधर ज्वेलरीज हैं, और ये देखो एंशिएंट महल, सारा कुछ। और आप देख पा रहे हो अंदर ही मार्केट कितना बड़ा है। यहाँ पर बैग्स वगैरह हैं, सारा कुछ। देखो इधर भी ज्वेलरीज हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड फोर्ट का मार्केट जो कि अंदर में है रेड फोर्ट के, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। तो देख पा रहे होगे आप यहाँ पर ज्वेलरीज वगैरह भी सारा कुछ है, और यहाँ पर बैग्स वगैरह लेडीज़ के, और इधर शॉल वगैरह 500 के, काफ़ी कॉस्टली हैं। इनसाइड मार्केट को भी इनको रेंट देना पड़ता होगा ज़्यादा, इसलिए यहाँ के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। और देख सकते हो सारा कुछ यहाँ रेड फोर्ट के अंदर ही है ये बाज़ार, आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर कैप्स वगैरह भी हैं सारा कुछ। तो गाइज ये देख सकते हो खुला आसमान, और ये ऊपर छत पर काली कारीगरी जो की गई है काफ़ी अद्भुत है, आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पर भी बैग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, और ये इसको रेड फोर्ट के अंदर छोटा सा मीना बाज़ार है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और लोगों की भीड़ देख ही सकते हो आप, कितना ज़्यादा भीड़ है। और इस मार्केट अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, और ये सब आप रेड फोर्ट के अंदर मिलेगी आपको, बाहर नहीं। ये देख सकते हो लोगों की भीड़, और ऊपर एंशियंट डिजाइन आप देख पा रहे हो ऊपर, और यहाँ पर मूर्ति वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पर बाप रे भीड़ कितनी है, समझ सकते हो, सबसे 50-50 रुपये, मतलब कितनी पैसे होंगे यहाँ से सरकार को। तो गाइज अब हम आ चुके हैं रेड फोर्ट के अंदर पूरा, और यह है म्यूजियम जहाँ पर हमें कहानी सुनाती जाता है लाल किला का, सुन सकते हो आप इसमें जाकर आराम से, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, हम लोग बाद में सुनेंगे अभी नहीं। और आप देख सकते हो लाल किला के अंदर क्या क्या है, और कितना बड़ा किला है देख सकते हो आप। बहुत तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो रेड फोर्ट का कैंपस जो कि कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है इधर। और अब हम यहाँ से चलेंगे और आगे, और आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो ये मेरे सामने, ये जो खुले में है वो उसे दीवाने आम कहते हैं, और जो अंदर है उसे दीवाने खास कहते हैं। ये जो किला है वो अंदर में दीवाने खास, और जो बाहर खुला मैदान है उसे दीवाने आम कहा जाता है। शाहजहाँ का जो सभा यहीं लगता था। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं बीच से जाकर। तो गाइज ये है दीवाने आम, देख सकते हो इस साइड भी और इस साइड भी, और ये पीछे से यहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है। और ये दीवाने आम दोनों साइड। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये है दीवाने खास जहाँ पर महाराजा के यानी कि शाहजहाँ के खास लोग बैठा करते थे, और ये है दीवाने आम देख सकते हो दोनों, जहाँ पर आम जनता बैठी करती थी। और यहाँ इसके ठीक सामने यहाँ है हमारे शाहजहाँ का सिंहासन, इसी के ऊपर शाहजहाँ बैठा करता था, ये उसे सिंहासन था जो कि अभी शीशे से कवर कर दिया गया है देख सकते हो आप। और ये है दीवाने खास जहाँ पर उसके खास मंत्री जन लोग बैठा करते थे यहीं पे, और इधर आम जनता के लिए दीवाने आम, यहाँ से जनता और बादशाह दोनों
रूबरू होते थे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सारा कुछ, और यहाँ दीवाने आम की कुछ जानकारी दी गई है जिसे आप पॉज करके देख के पढ़ भी सकते हो। अब चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे रंग महल भी है और क्या क्या है देखते हैं, चलते हैं। ये लाल किला के अंदर कैंपस काफ़ी बड़ा है, ये एक दिन में कवर करना मुश्किल हो रहा है। और इधर देख सकते हो पार्क जैसा भी है बैठने उठने के लिए, अगर आप घूमते घूमते थक जाओ तो इधर आराम से रेस्ट कर सकते हो। और चलते हैं आगे देखते हैं रंग महल कैसा है और क्या क्या है अंदर। हम लोग अभी फ़िलहाल रंग महल की ओर जा रहे हैं, तो आइए चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रंग महल, ये देख सकते हो आप, यह है रंग महल जो कि कहीं से मुझे रंगीन नहीं दिख रहा, शायद उस समय रंगीन होगा, बाद में रंग चला गया होगा। और इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो इंग्लिश में और इधर हिंदी में, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। तो यही है रंग महल, वाओ। चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। दोस्तों यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, कितनी सारी पक्षियाँ कबूतर हवा में उड़ रहे हैं जो कि बहुत ही बेटर लग रही है, बहुत ही ऑसम लग रही है, बिल्कुल मस्त एकदम झकास। ये देख सकते हो कितने सारे बर्ड्स हैं, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ, देख पा रहे होगे आप। तो दोस्तों काफ़ी देर से घूमते घूमते मैं गया हूँ थोड़ा सा थक, तो मैं यहाँ से बैठ गया हूँ आराम से और सोचा मैं आपको कुछ बता दूँ तब तक बैठे बैठे रेड फोर्ट के बारे में। तो दोस्तों रेड फोर्ट का बनाने का काम शुरू हुआ था 1638 ईस्वी में और इसको बनने में 10 साल लग गए थे, तो इसका कंप्लीट हुआ था 1648 में। और ये तब बनवाया गया था जब शाहजहाँ के द्वारा उसकी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, तो भी ये एक पुराना किला था जिसको फिर रिन्यूड करवा के रेड फोर्ट बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा 1638 ईस्वी में, शुरू हुआ था 1648 में कंप्लीट हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और बने रहें ब्लॉग में। और यहाँ देख सकते हो गाइज, ये लगता है जैसे कि उस समय का स्विमिंग पूल होगा जहाँ पर वाटर शो होता होगा शायद, यही सब। अब चलते हैं आगे इस किले के अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक्चुअली सब लाल किला के अंदर अलग अलग ब्रांच हैं, इतने बड़े में शाहजहाँ रात को या शाम को किले टहलने निकलता होगा, पूरा वर्कआउट तो इसका फिर किले के चारों चक्कर ही काटते काटते कंप्लीट होता होगा, जितना बड़ा ये किला है देख पा रहे होगे आप। हम लोग चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों ये है खास महल जिसकी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हो इंग्लिश में यहाँ और हिंदी में यहाँ, वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। और ये रहा खास महल जो कि खास लोगों के लिए बनवाया गया होगा। अरे बाबू तो गाइस ये देख सकते हो ये है खास महल जो अभी हमें बहुत क्यूट बच्चा मिल गया था, क्या कहूँ बहुत क्यूट था। तो ये देख सकते हो आप, ये है खास महल जो कि खास लोगों के लिए बनवाया गया होगा उस समय के। चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। ये लगता है मस्जिद होगा उस टाइम का, शायद राजाओं का पहला पर्सनल मस्जिद, लेकिन ये अब शायद बंद है। तो दोस्तों ये है मोती मस्जिद, ये आप देख पा रहे होंगे ये मोती मस्जिद जिसकी डिटेल जानकारी यहाँ लिखी हुई है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इधर इंग्लिश में। और चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी बड़ा है गाइज, ये घूमते घूमते मैं मतलब थक चुका हूँ, अब मुझे लग रहा है कि 50 रुपये बिल्कुल फेयर है, मतलब कोई भी गलत नहीं लिया गया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है देख सकते हो आप। हम लोग उतने देर से मैं घूम रहा हूँ फिर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है,
चलते हैं देखते हैं इस तरह क्या है। ये कुआं है शायद, आइए देखते हैं इस कुएं का। तो दोस्तों ये है कुआं और ये है इसकी खतरनाक सीढ़ी, चलेंगे हम लोग भी। ये देख सकते हो कुआं कितना साफ है, अंदर बस बोतलें भरी है। इसके लिए उतना रिस्क ठीक नहीं था जितना मैंने लिया। बहुत बड़ा रिस्क लेकर इस कुएं को देखने गया था मैं, जो कि कुआं ही नहीं था, बस कचरा था। तो गाइस जब चलते हैं उधर हीरा महल की ओर, तो आप देख सकते हो एक लाल किले में कितना सारा महल है। और अब इधर है हीरा महल, ये देख सकते हो यहाँ बोर्ड है और वो रहा हीरा महल। तो आइए करीब से देखते हैं उसको। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आ रही होगी। मैं रेड फोर्ट का पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और आइए चल के देखते हैं आगे हीरा महल में क्या क्या है। और गाइस हीरा महल तो रहा, बट यहाँ देख सकते हो पार्क कितनी सुंदर है। आप यहाँ पर आकर आराम से बैठ कर पूरा अपना डे स्पेंड कर सकते हो। और चलते हैं हम अब आगे। दोस्तों ये आप देख सकते हो हीरा महल, जिसमें कोई हीरा नहीं है, बाकी महल है ही, देख सकते हो आप। यही है हीरा महल, अंदर जाने का अलाउ नहीं है, तो यहीं से देख लो। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से वापस। और गाइस ये है भादो मंडप, भादो पवेलियन, भादो मंडप इंग्लिश में भादो पवेलियन ये है, देख सकते हो आप। तो गाइस लाल किला अब होता है पूरा कंप्लीट। हम लोग शुरुआत से लेकर उधर से लेकर इधर 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 एक एक महल एक एक चीज पूरा कवर कर लिया है आज। तो गाइस जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा वापस अपने घर, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।